जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों हम आप पहुंचे हैं पाटन लेनी में। आप मेरे पीछे देख सकते हो हम अब इस वक्त पाटन लेनी में खड़े हैं। थैंक्स टू माय फ्रेंड हिमांशु, हम लोग ये ट्रैक आज पॉसिबल कर पाए। वंदे मातरम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं और मेरा दोस्त हिमांशु आज आए हैं पाटन लेनी यानी कि पाटन केव एक्सप्लोर करने के लिए। हम लगभग 8:30 बजे तक पहुंच गए थे पाटन गांव में। फिर एक जगह देख के हमने अपनी गाड़ी वहां पार्क की है और अभी हमको एक अंकल वहां चले गए, उन्होंने हमको रास्ता दिखाया कि कैसे हमें जाना है लेनी तक यानी केव्स तक। तो उन्होंने हमको थोड़ा बेसिक आइडिया दिया है डायरेक्शन का, तो हम वो फॉलो करके ऊपर जाएंगे और देखते हैं पाटन लेनी किस तरीके की है। ओके, यहाँ पर कोई छोटी मोटी ट्रेल्स है जो कि लगता है जानवरों ने बनाई है। ओ इधर दिख रही है ट्रेल, ये वाली फॉलो करते हैं। हमारे साथ हिमांशु और दो और कुत्ते भी हमारा साथ दे रहे हैं इस ट्रेल में, इस ट्रैक में। इस ट्रेल में हमारे साथ हैं दो कुत्ते जो जहाँ हमने गाड़ी पार्क की थी वहाँ से हमारा साथ दे रहे हैं। कम कम टॉमी, टॉमी गुड बॉय टॉमी। एक्चुअली इनमें से एक टॉमनी और एक टॉमी है। मेरे ख्याल से लेनी के वहाँ कहीं होनी चाहिए। आप उधर विसापुर फोर्ट देख सकते हो, वो फोर्ट हमने ऑलरेडी ट्रैक किया है। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा तो अभी क्लिक कीजिए और आपको आप उसका वीडियो देख सकते हो हमारा विसापुर फोर्ट का। इस विसापुर फोर्ट के पीछे की तरफ लोहगढ़ फोर्ट है। हमें लगता है कि लेनी वहाँ कहीं है, केव वहाँ कहीं है, लेकिन लोग श्योर नहीं है और हमें कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा। तो हिमांशु वहाँ से जाके चेक करने गया है दो डॉगीज़ के साथ और वहाँ से अगर देख पाता है तो। लेकिन मुझे लगता है वहाँ कहीं केव है उधर पे, लेकिन कोई ट्रेल नहीं मिल रही। हिमांशु उस तरफ गया था लेकिन ऐसा कुछ लगा था कि वो केव जैसा है लेकिन वो केव नहीं है। हमने अपनी गाड़ी वहाँ पार्क की है वो उस फार्म लैंड में जो आप देख सकते हो वहाँ पर। वहाँ से हम चल के इस हिल के बॉटम तक आए और अभी हम थोड़ा ऊपर आए, लेकिन हमें लगता है वहाँ जाना है ये सब जंगल में से क्रॉस करके। काफ़ी कंफ्यूज है, हमको रास्ता ही नहीं मिल रहा है। हमारे साथ साथ ये दोनों भी कंफ्यूज हैं, इनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना है, हमारे साथ भी आना है और बेचारे। ओके, टॉमनी हमें रास्ता दिखा रही है, वो आगे आगे चलती जा रही है और हम उसको फॉलो कर रहे हैं। लगता है इसका रोज का आना जाना है यहाँ पर। यहाँ पर तो नहीं होगा कुछ ना। राइट ही होगा, यहाँ से राइट जाएंगे। कम। ओके दोस्तों, इट सीम्स ये दो डॉग्स को रास्ता पता है क्योंकि हम इन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। और अभी भी एक जगह पे हम कंफ्यूज हो गए थे तो ये लेफ़्ट चला गया, लेफ़्ट चली गई और गूगल मैप ने भी कंफर्म किया कि हमको लेफ़्ट जाके फिर राइट जाना है लेक केव के लिए। तो हम ट्रेल और ये दो डॉग्स को फॉलो कर रहे हैं। हम लोग इस रास्ते से आए थे और हमने यहाँ से लेफ़्ट मार लिया था ऊपर जाने के लिए, जबकि हमको इधर जाना था। तो जो नया गूगल लोकेशन जो मैप का नया वे पॉइंट हमने डाला है वो हमें यहाँ लेके जा रहा है। ओए टॉमी, टॉमी चलो बेटा। तो अब हम इस रास्ते पे जाएंगे जो कि करेक्ट रास्ता है केव की तरफ जाने का। अभी हम आ गए, अगर आप देखोगे यहाँ पर वो केव है और रास्ता कुछ यहाँ से जाता है। तो चलिए ये रास्ते पे चलते हैं, केव दिखते हैं। यहाँ पर किसी ने कट करके रास्ता बनाया। टॉमी नहीं, चल चल मेरा पुत्र चल। हम केव तक पहुंच गए हैं। ओके, यहाँ पर एक स्तूपा है और ये कुछ विहारा जैसा लग रहा है। बहुत ही छोटी सी केव है,
लेकिन फिर भी बनाई गई है मेहनत से। मेरे पीछे है पाटन लेनी, यानी कि पाटन केव। ऐसी एक दो और केव हैं इस एरिया में, जैसे कि एक और येलगोल है जहाँ पर मैं और मेरे दोस्त मंगेश ने ट्रैक किया था। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा तो वीडियो अभी ऊपर लिंक में आप क्लिक करके देख सकते हैं। यह दोनों केव्स अनफिनिश्ड केव्स हैं। अगर आप देखेंगे तो इनमें एक स्तूपा है और एक छोटा सा विहार है, लेकिन कुछ भी शिल्पकारी या कुछ भी कार्विंग्स कुछ नहीं है इसके अंदर। सेम येलगोल भी ऐसा ही था, बहुत ही बेसिक। तो अगर इंटरनेट रिसर्च पे ध्यान दें तो वहाँ से पता चलता है कि ये दो केव्स मात्र प्रैक्टिस के लिए थी। बहुत भिक्षुक लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करते थे केव्स बनाने की। और जो असली केव अगर आपको देखनी है तो आप इस पहाड़ी के पीछे भाजा केव्स है, और उस एक्सप्रेस हाईवे के दूसरी तरफ पे कारला केव्स है। और अगर आप पुणे की तरफ जाएंगे, जाके राइट साइड में जाएंगे तो आपको भेड़ से केव भी दिखेगी। आप भेड़ से केव का वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। तो ये तीन केव बहुत ही बढ़िया हैं, लेकिन ये जो दो केव्स हैं येलगोल और पाटन, ये अनफिनिश केव्स हैं। लेकिन फिर भी केव तो केव होती है, बहुत ही पीसफुल है यहाँ पर। के हमारा टूर ट्रैक ख़त्म हो चुका है और हम वापस नीचे जा रहे हैं। ये जो वो रास्ता है जो हमने गलत रास्ता ले लिया था लेफ्ट, हमें यहाँ से राइट जाना था जब आप पीछे से आते हो, तो ये हमने गलती कर दी। अगर आप आ रहे हैं तो ये गलती ना कीजिए और यहाँ से सही रास्ते पे राइट टर्न मारिए। थैंक्स टू दिस टू डॉग्स, उन्होंने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया आज पूरे ट्रैक पे, हमारे साथ रहे जब हम लॉस्ट हो गए थे तब भी, और जब हमें अपनी मंजिल मिल गई तब भी। वो भी ये भी ओके। हमने अपनी एक्चुअल ट्रेल लूज़ कर दी है और अभी हम बस नीचे जाना चाहते हैं। तो जहाँ से भी कोई रास्ता नीचे जा रहा होगा हम उस रास्ते पर हैं। सो जो हमने अपनी गाड़ी जिधर पार्क की थी, ये काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। अगर आप देखोगे तो इनके पास वहाँ दो कॉटेजेस भी हैं और काफ़ी बड़ा ग्राउंड है जहाँ पर आप कैंपिंग कर सकते हो। इनका ये इसका नाम है विसापुर कॉटेजेस, और ये लोग कुछ चार्ज करते हैं कैंपिंग का, कुछ चार्ज करते हैं कॉटेजेस का। लेकिन लोकेशन बहुत अच्छी है, बहुत ही बड़ा ग्राउंड है इनके पास अगर आप देखेंगे तो। अगर बहुत बड़ा ग्रुप है आपका तो आप यहाँ पर आ सकते हैं कैंपिंग करने के लिए। फुट हिल्स ऑफ विसापुर फोर्ट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस हमारे इस छोटे से ट्रैक पे। हमारे वीडियो देखते रहिए, आपको मिलेंगे किसी और ट्रैक पर, किसी और एडवेंचर में। तब तक सी यू, बाय बाय।